सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर का बारामूला आतंकियों से मुक्त हो गया है। ये एक बड़ी खबर पूरे देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। यानी बारामूला में कोई भी स्थानीय आतंकी अब जीवित नहीं बचा है। सेना के मुताबिक 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। बारामूला में अब कोई भी स्थानीय आतंकी नहीं है, हर एक का सफाया हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बारामूला से पहले सिर्फ श्रीनगर ऐसा जिला था जहां कोई स्थानीय आतंकी नहीं है। सेना के मुताबिक श्रीनगर और बारामूला से बाहर से आए आतंकी ही हमला करते हैं और बुधवार को सेना ने बारामूला में 3 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया था। इन तीनों के मारे जाने के बाद सेना ने बारामूला को स्थानीय आतंकियों से मुक्त घोषित कर दिया है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर जिले के बाद बारामूला वो दूसरा जिला है घाटी का जो स्थानीय आतंकियों से मुक्त हो गया है। जो आखिरी 3 आतंकी बचे थे उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। खालिद हुसैन इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन, एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी। देखिए निसंदेही पहली बार ऐसा, जब से यहाँ मिलिट्री शुरू किया कश्मीर घाटी में, ऐसा पहली बार पुलिस ने दावा किया है कि बारामूला जिला जो काफी मिलिटेंट प्रभावित रहा है, वहां पर वहां का रहने वाला कोई भी मिलिटेंट अब जीवित नहीं है। कल मुठभेड़ में जो 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे लश्कर ए तैयबा के, उनके साथ ही ऐसा रिपोर्ट है कि वहां पर कोई भी अब वहां का लोकल रेजिडेंट मिलिटेंट जिंदा नहीं है। लेकिन उत्तरी कश्मीर में अभी कुछ मिलिटेंट सक्रिय हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। श्रीनगर इससे पहले जिला था जहां पर कोई भी वहां का स्थानीय रहने वाला मिलिटेंट जिंदा नहीं था। निसंदेही क्योंकि लोकल मिलिटेंट जब जिंदा रहते हैं तभी बाकी जो उस इलाके में मिलिटेंट्स आते हैं वो उनके सहयोग से कार्रवाई कर सकते हैं। जब स्थानीय मिलिटेंट ही नहीं रहेगा तो निसंदेह ही इन मिलिटेंट रिलेटेड गतिविधियों पे जो हमले करते हैं या फिर और कोई गतिविधि करते हैं उन पर काफी रोक लग जाएगी बारामूला जिले में। ये उस हिसाब से एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, और उनके मनोबल को बढ़ाने वाली सफलता इसे कहें तो गलत नहीं होगा। और साथ ही जो उनके प्रति देश की जनता का विश्वास है, उनके ऊपर जो भरोसा है, उसे और भी ज्यादा बढ़ा देती है ये सफलता। और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे किस तरह से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और आतंकियों के खात्मे की जो शुरुआत सुरक्षा बलों ने की है धीरे धीरे वो कैसे किस चरम पर पहुंचती जा रही है, कैसे वो अपना मुकाम हासिल कर रही है, पल पल की अपडेट आगे आपको देंगे। खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए।